देखो कल सीएम साहब से मुलाकात हुई उनके रेजिडेंस में वर्षा हाउस में, और वहाँ बैठ के काफ़ी सकारात्मक बातें रही। उसमें समाज के मुद्दे थे, जैसे माँ पद्मावती के टाइम मुकदमे लगे थे, सरकार ने घोषणा कर दी मुकदमे हम वापस ले लेंगे, पर अब तक वापस नहीं हुए, उसको लेकर के भी चर्चा हुई। जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने लड़ाई लड़ करके पूरे भारत में जो सवर्णों को आरक्षण दिलाने का काम किया, जिसमें 14 जातियां आती हैं मुख्य रूप से, जिसमें राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, शेख, सैयद और कायस्थ, सिंधी, ये काफ़ी पठान, ये जातियां आती हैं, तो उनके लिए हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी। उसमें ईडब्ल्यूएस के रूप में 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने हमें दिया, तो हम चाहते हैं वो महाराष्ट्र के अंदर भी राजस्थान की तर्ज के ऊपर उसका सरलीकरण हो, उसमें जमीन, मकान, प्लाट की जो शर्त लगाई हुई है वो हटाई जाए और उसका सरलीकरण करके सिर्फ क्रिमिनल एरिया में क्राइट एरिया 8 लाख रुपए आय जो रखी गई है राजस्थान सरकार में और में, उसी तरह क्राइट एरिया 8 लाख रुपए से नीचे आय वाले सवर्ण आर्थिक पिछड़े होंगे उनको आरक्षण का लाभ दिया जाए। ऐसी काफ़ी मांगों को लेकर के हम उनसे मिले हैं। आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए भी हमने टिकटों की मांग की है समाज के लिए और के लिए, और जो 5 स्टेट में आगे आने वाले चुनाव हो रहे हैं उनको लेकर के भी काफ़ी विषयों पर चर्चा हुई है, तो सीएम साहब के साथ काफ़ी सकारात्मक बातें हुई और हमने ये तय किया उनसे मिल करके, हमारे जो कोर कमेटी के सदस्य हैं उनसे भी एक दो से बात की, और भाई हम जल्द ही कोर कमेटी के अंदर जो हम बातें हुई हैं वो रखेंगे, और बात रखने के बाद जो भी कोर कमेटी हमारी डिसीजन लेगी उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। क्या मुंबई महानगर पालिका का चुनाव के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो काफ़ी दिनों से है, आज से कोई तैयारी नहीं कर रहे, पहले काफ़ी दिनों से ही तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र के हर जिले के अंदर राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना की टीम है पहले से ही, और हमने यहाँ के प्रमुख बना रखे हैं, जैसे वार्ड का प्रमुख होता है वो अलग है, गांव का प्रमुख होता है वो अलग है, ऐसे हमने अलग अलग प्रमुख नियुक्त कर रखे हैं, और उसके अंदर हम ये चाहते हैं बीएमसी चुनाव में मिलजुल करके चुनाव लड़ा जाए और उसमें हमारे राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना की भी भूमिका हो। भाई कल मुलाकात शिंदे साहब से हुई है शिवसेना से, तो अभी तो उनसे ही बातचीत चल रही है, तो उनको हमने ये ऑफर रखा है, इसमें राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना भी इन्वॉल्व होना चाहती है, अगर आपकी पार्टी चाहे, आप चाहो तो हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। कितने उम्मीदवार होंगे और क्या मुद्दे रहेंगे? देखो मुद्दे तो भ्रष्टाचार, राष्ट्रवादता, और देश के राष्ट्रवादता के लिए ही कर्णी सेना जानी जाती है, और जहाँ गाय के ऊपर आँच आती है, कहीं भी गरीब बहन बेटी पर आँच आती है, कहीं भी मंदिर पर आँच आती है, या इस देश के नागरिक पे आँच आती है, वहाँ कर्णी सेना हमेशा लड़ती रही है। इतिहास संरक्षण के लिए भी हम लोग लड़ते रहे, चाहे फिल्मों के अंदर इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाए, तो वहाँ भी हम लोग हमेशा डट करके उनका मुकाबला किया है और आगे भी करते रहेंगे। ऐसे काफ़ी मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने जो माँ पद्मावती के टाइम मुकदमे दर्ज हुए थे उन पर भी मैंने ज़्यादा प्रकाश डाला है, क्योंकि वो तारीखों पर युवाओं को जाना पड़ता है, होना जाना उसमें कुछ नहीं पर टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए सरकार ने घोषणा कर दी, तो वो इनको वापस ले लेना चाहिए। क्या मुख्यमंत्री साहब की तरफ से कोई पहल की गई थी, जो मुकदमे लगाए गए हैं? मुख्यमंत्री जी की हिसाब से भी पहल की गई, और पहले जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख उन्होंने भी घोषणा की थी, फर्नांडिस साहब ने भी घोषणा की थी कि जो युवाओं पर मुकदमे लगे हुए हैं वो हम वापिस लेंगे। देश में एक नया मामला चल रहा है सीमा हैदर को लेकर, लगातार ये कहा जा रहा है कि वह पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, इस पर आप लोगों ने कोई विचार विमर्श किया, क्योंकि आप इस तरह के मुद्दे लगातार उठाते रहे? देखो मेरा तो ये कहना है ये भारत की सरकारी एजेंसियां हैं उनका फेलियर है। सीमा का ये मुद्दा नहीं कि वो यहाँ किसी से प्यार करती थी वो आ गई, वो भारत की सीमा क्रॉस करके भारत में कैसे आ गई, सबसे बड़ी बात तो ये है। भारत की खुफिया तंत्र और भारत की जो एजेंसियां हैं उनको सोचना चाहिए और सोचने पे विवश होना चाहिए कि ये एक महिला होते हुए आ गई, तो वहां तो कोई भी आ सकता है, टेररिस्ट कैसे भी आ सकते हैं पाकिस्तान से, आतंकवादी दूसरे रास्ते से दूसरे देश के होते हुए जैसे नेपाल होकर के आ गए, तो ये सरकारी एजेंसियों को सोचना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ उसको 4 बच्चे पैदा करने के बाद प्यार उमड़ा, और वो भी ये भारत के एक लड़के से, क्या 4 बच्चे वैसे हंसते खेलते ही पैदा कर लिए कि उसने प्यार नहीं, प्यार में नहीं हुए क्या वो?
या उसने शादी नहीं की थी, तो ऐसी महिला है वो उसकी जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए भी ये मामला ओरिजिनल है क्या। करनी सेना की क्या भूमिका रहेगी इस मामले में? करनी सेना की क्या भूमिका? करनी सेना की तो यही भूमिका है कि जो जांच एजेंसियां हैं उनको सतर्क किया जाए और जो बॉर्डर के ऊपर लीकेज है उसको बंद किया जाए, और आने वाले समय में ऐसे जो सोशल मीडिया के ऊपर जो विदेशों से नेटवर्क जुड़े हुए हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं उनसे जो नेटवर्क में जो लोग जुड़े हुए हैं उन पर नजर रखे। सर एक सीमा हैदर की जो बात है, उन्होंने एक काफी वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा है कि ठाकुर भी कह सकते हो, ठकुरान भी कह सकते हो, ये किस तरह से देखते हैं? देखो मैं बताऊं भाई, ठाकुर का मतलब वे काफी कन्वर्ट हुए हैं, जो भारत के अंदर क्यामखानी राजपूत हैं वो राजपूतों से कन्वर्ट हुए हुए राजपूत हैं, वो आज अपने आप को आज भी ठाकुर समझते हैं, तो उसकी कोई अब वो कौन सी जाति से हैं, कौन से गोत्र से हैं ये तो मैं नहीं बता सकता, पर ठाकुर बनने के लिए बलिदान, त्याग और राष्ट्रवादता कूट कूट के भरी हुई हो ना, वही ठाकुर कहलाता है। जब करनी सेना का नाम आता है तो खाली राजपूत उसमें होते हैं, तो चुनाव मैदान में खाली राजपूत कैंडिडेट ही करते हैं? देखो करनी सेना के अंदर हमारे भाईचारा कमेटी भी है, करनी सेना है वो राजपूतों की संस्था है हम मानते हैं, पर उसके अंदर भाईचारा कमेटियां भी है, भाईचारा के अंदर सभी को हम साथ लेकर के चलते। सर और जो चंद्रशेखर राव जो है, जिसको जो है एक बार बताऊं, उनको फिर से जो है मतलब जो राजपूत को टारगेट किया जा रहा है, इसके पहले अमेठी के विमलेश सिंह को उन्होंने हुआ था, उसके उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है चंद्रशेखर राव के जरिए, तो किस तरह देखते हैं जब राजपूत को जो है टारगेट करने के बाद उनके परिवार को? देखो ये टारगेट कोई किसी को भी कर सकता है, भारत के अंदर स्वतंत्र नागरिक है वो किसी को कोई भी टारगेट कर सकता है, पर जो योगी जी की टीम है, योगी जी की जो पुलिस है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। तो उम्मीदवार की बात की जाए तो कहाँ कहाँ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे? अभी बीएमसी चुनाव में यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर आगे देखेंगे आगे कितना स्टेट में बढ़ता है या पूरे महाराष्ट्र में बढ़ता है या दूसरे स्टेटों में भी शिवसेना और करनी सेना मिल करके एक साथ रहेगी या नहीं रहेगी, वो आने वाले दिनों में आपके सामने बात रखेंगे। मुख्यमंत्री जी ने क्या कितना इंटरेस्ट जताया करनी सेना के साथ? देखो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जताएंगे, मुख्यमंत्री जी तो आप चाहते हैं ये भारत है ये विश्व गुरु बने, और करनी सेना भी यही चाहती है भी भारत है वो विश्व गुरु बने, तो विचार तो दोनों के मिलते ही हैं, अब तो हाथ मिलाने की कमी है, बस विचार दोनों के मिल रहे हैं। तो इसके पहले आपने बीजेपी का साथ दिया था, अब शिंदे साहब के साथ दे रहे हैं, क्या करें? तो बीजेपी कोई शिंदे साहब से अलग थोड़ी है, एनडीए का घटक दल ही तो शिंदे साहब है। सर राजस्थान समाज यहाँ मुंबई में बड़ी संख्या में रहता है, तो आपकी कल क्या चर्चा हुई? देखो राजस्थान समाज के बारे में भी मैंने सीएम साहब के सामने बात रखी कि यहाँ व्यापारियों को बहुत तंग किया जाता है पुलिस के द्वारा, पुलिस द्वारा क्या होता है किसी भी एक को चोर बना करके ले आते हैं और कहते हैं भाई मैंने यहाँ 10 ग्राम 20 ग्राम चोरी का सोना बेचा था, वो चोरी का सोना बेचा हो या ना बेचा हो पर वो मारवाड़ी को टारगेट किया जाता है, मारवाड़ी का मतलब गुजराती यूपी से आए हुए राजस्थान से आए हुए जो बाहर के यहाँ व्यापारी हैं उनको टारगेट पुलिस द्वारा किया जाता है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि दोनों जो भी चोर और व्यापारी है उन दोनों की लोकेशन मिलाई जाए और सच्चाई और ओरिजिनलिटी हो वहीं पुलिस कार्रवाई करे, ये दवेशता पूर्वण ये कार्रवाई ना करे कि ये बाहर के व्यापारी है इसलिए इन पर कार्रवाई हो, तो मेरा तो यही कहना है, सीएम साहब के सामने भी मैंने ये बात रखी थी कि यहाँ बाहर के जो व्यापारी हैं उनको पुलिस द्वारा तंग किया जाता है, नजायज तंग किया जाता है, तो उन्होंने कहा मैं इस पर प्रकाश डालूंगा और जांच करवाएंगे। देखो ये तो पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जाने, और जो जिस पार्टी से टूट करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं वो उनके अध्यक्ष जाने, तो किस कमी के कारण आज उनको छोड़ करके वो दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उनमें कोई ना कोई कमी तो रही होगी, इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ उन पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको अपनी पार्टी पर ध्यान रखना चाहिए।